तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे टैग अप कैसे डालते हैं। मशीन मॉडल नंबर है 7340, कंपनी नंबर है ब्रदर और इसको बोलते हैं स्टेटस। अभी इसके अंदर छोटा सा बैटरी लगा हुआ है, इस पर हम ग्रीस लगाएंगे। गाइस देखते रहिए, अब मैं इस पर लगाऊंगा गाइस ग्रीस, आप देखना कैसे होता है। ये देखो ये बैरिंग होता है छोटा सा जो टैग अप के बीच में चलता है, और मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगा हल्का सा। ये देखो ये मैंने इसमें लगा दिया, ठीक है। अब दूसरा बैरिंग है, ये होता है लिंक का, ठीक है जी, लिंक का बैरिंग होता है, दो बैरिंग लगते हैं। तो ये देखिए लग गया इसमें गाइस। अब देखिए तो मैं एक टैग अप लगा रहा हूँ, टैग अप लगेगा लट्टू में, इसको बोलते हैं लट्टू जो अंदर इसमें टैग अप लगता है। ये मैंने इसको इसमें फंसा दिया, अब फंसाने के बाद लगाऊंगा मैं स्टेटस। स्टेटस में एक खांचा होता है जो सेंटर वाले पेज में मिलता है, मैं ये जो खांचा है वो सीधा बिल्कुल पेज है उसी खांचे में, जो मेरे खांचा होता है उसमें भी पेंच मिलता है। तो गाइस अब देखिए मैंने दोनों नट टाइट कर दिए हैं। तो गाइस अब हम लगाएंगे इसमें टैग अप गाइड जो टैग अप को पूरे घुमाती है, टैग अप को रोक के रखती है। तो देखिए गाइस ये है, अब मैं लगाऊंगा इसमें टैग अप गाइड, ये है टैग अप गाइड देखो। ये देखिए है टैग अप गाइड, मैं इसको लगाऊंगा। इसका यह एक पिन होता है जिस पिन को हम इसमें डालेंगे, तो मैं थोड़ा सा जो है ग्रीस लगा रहा हूँ जिससे कि जंग ना पकड़े। क्या होता है कि हम बिना उसके लगा देते वो जंग पकड़ लेता, थोड़ा सा मैंने ग्रीस लगा लिया जिससे कि फ्री जाए आराम से जाए। तो ये देखिए मैंने लगा दिया इसमें, और इसमें गाइस एक क्या बोलते हैं कट होता है, तो वो कट पेच होता है इसके साइड में, वो मिलाना पड़ता है। अभी देखिए मैंने एक पेच का इधर लगाया और एक इधर, मैं पहले हल्का उसको टाइट करूँगा उसके बाद इसे गाइड को घुमाऊँगा। देखो ये जो रोड बोलते हैं गाइड को, इसे मैं घुमाऊंगा वो अपने आप खांचे में फंस जाएगा। देखिए गाइस तो ये देखो फंस गया, ये गया फंस, और मैंने कर देता हूँ उसे फुल टाइट, फुल ऑन टाइट कर दिया मैंने इसे। ओके गाइस अब देखो ये लग गया आपका टैग अप। ओके गाइस टैग अप लग चुका है, अब हम इसमें लगाएंगे लिंक। अब लिंक में मैं थोड़ा ग्रीस लगा रहा हूँ, बैरिंग में पहले लगा चुका हूँ। ये देखिए मैं इसमें ग्रीस लगा दिया है, उसमें एक छेद होता है लिंक में नीचे जहाँ पे स्टेटस लगता है, तो वो पीछे बैक साइड में रहता है। ये मैंने इसमें लगा दिया है, ये देखिए ये लग गया, ठीक है जी। अच्छा अब इसका जो पेच है इसमें उल्टी चूड़ी होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें उल्टी चूड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है लोग इसे सीधा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ये सीधा नहीं खुलता है, और टाइट हो जाता है, ये उल्टा खुलता है और सीधा टाइट होता है। देखिए सीधा टाइट कर रहा हूँ मैं इसको। ओके अच्छा अब इसमें मैं एक गोली होती है जो लिंक के स्टेटस को बीच को सेंटर में रखती है, देखो मैं इसको लगाऊंगा इसमें। तो इसमें भी थोड़ा मैंने ग्रीस लगाया, ये मैंने लगा दिया, ठीक है गाइस ये देखो। इसलिए लगाया मैंने ताकि वहाँ पर जाकर चिपक जाए, क्योंकि चिकना बहुत होता है, लगाने पर नीचे रपट जाता है, हमें बीच में रोकना पड़ता है, तो ग्रीस क्या उसे चिपका लेता है बीच में होता है। मैंने इस थोड़ा स्टेटस पर ग्रीस लगाया, ये देखिए मैंने ये लगा, ये हाँ गाइस ये ब्रदर मशीन है, मॉडल नंबर 7340 है। अब मैं इसमें निडल बार डाल रहा हूँ, ठीक है जी निडल बार ये मैंने लगा दिया इसमें निडल बार।
और अभी तो मैं इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ, उसके बाद इसकी जो है टाइमिंग जो होती है उसको बाद में करूँगा। पहले मैं ऊपर का जो सामान है वो क्लियर कर रहा हूँ। ओके गाइस, मैंने ये ब्रेकेट बोलते हैं इसको, इस पर भी हल्का ग्रीस लगाया। ग्रीस लगाने से क्या है, थोड़ा सा जो जंग का खतरा वो कम हो जाता है, वो चिकनापन से थोड़ा आ जाता है। ऑयल तो इस मशीन में चलता ही है, लेकिन जब हम खोलते हैं तो थोड़ा सा ग्रीस लगा देते हैं। मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, तो मैंने ये ब्रेकेट पेस्ट टाइट कर दिया दोस्तों। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, रोड स्प्रिंग इसमें लगा रहा हूँ, प्रेशर बार रोड स्प्रिंग और प्रेशर रेगुलेटर में इसको कर रहा हूँ। ये हमारा बूट है, बूट जिसमें लगता है वो, ये भी खोलना पड़ता है इसे डालने के लिए। मैंने ये लगा दिया है, ये टेंशन स्प्रिंग को जो चलाता है वो पत्ती, इसको हम सब लगाएंगे। थोड़ा ही तिरछा करके घुसाना पड़ता है, उसके बाद आसानी से लग जाता है। देखिए मैं पीछे पेच लगा रहा हूँ, ये आसानी से लग गया है। मैं फूल ऑन टाइट कर रहा हूँ उसमें, ये मैं कर रहा हूँ टाइट। तो गाइस मैंने फुल टाइट कर दिया है। अब आती है हमारी टाइमिंग की बारी, अब हम इसकी टाइमिंग करेंगे। देखिए निडल की टाइमिंग, मैं तो खैर दांत इसलिए खोल रहा हूँ कि थोड़ा आपको दिखाने के लिए ये टाइमिंग ऐसे हो जाती है। मैंने दांत खोले। अच्छा गाइस, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि निडल बार, हम जब निडल बार की भी लेंथ होती है तो निडल बार का जो होल होता है वो शटल के अंदर जब नीचे निडल पॉजिटिव पोजिशन पर जाती है वो दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने पूरा कर दिया नीचे। अब क्या है कि निडल का जो होल होता है और शटल की जो नोक होती है वो हल्का सा होल जो होता है उससे 1-2 mm ऊपर बनता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर फास्ट बांध देते हैं, उसमें टाप की शिकायत आ जाती है। ये देखिए निडल का हल्का सा जो पॉइंट है जिसको हम होल बोलते हैं, छेद जिसमें धागा डालते हैं, उससे हल्का सा ऊपर है। ये मैंने देखो, ठीक है, ओके, मैं इसको टाइट कर रहा हूँ। ये टाइट कर दिया मैंने, पूरा टाइट कर दिया। अच्छा, ये हो गई हमारी टाइमिंग और हम दांते लगाएंगे अब इसमें। तो दांते इसमें 2 तरीके के लगते हैं, एक लोहे का लगता है, एक प्लास्टिक का लगता है। जो प्लास्टिक का लगता है वो हमें काटना पड़ता है, थोड़ा ओवर हो जाता है, ये वो मॉडल अलग अलग होता है। ठीक है, अब ये दांत टाइट कर दिया। तो भाई सब दांत लगा दिया है, अब इसमें लगाते हैं हम निडल प्लेट। निडल प्लेट ये देखो, निडल प्लेट स्क्रू में मैंने टाइट कर दिया है इसको। ठीक है, मैंने टाइट कर दिया है। और दांता का जो सेटिंग होता वो तो पहले से था ही, क्योंकि मैं टैगअप डाला है इसलिए। इसमें मैं बूट लगा रहा हूँ, ये सीएल का बूट है। इसमें बूट कई तरह के आते हैं, प्लेन है, जिब्बा लाता है, पीती ट्रेडिशन आता है, काफ़ी बूट आते हैं, लेकिन ये सीएल का है, ये लव का बूट बोलते हैं इसको। मैं इसको ये बीच वाला पेंच खोलना है इसको, बूट को इतना सेंटर में करना है, सेंटर में आप कर सकते हो। ये मैंने पेंच खोला है बीच का, उस बीच को बूट को सेंटर में, निडल के सेंटर में कर दिया है। तो मैंने बूट का सेंटर वो मिला दिया। अब इसका हम जो ढक्कन बोलते हैं इसको कवर, अब हम इसका मशीन को बंद कर देंगे कवर लगा। तो वह नट चेक कर रहा हूँ निडल बार का, ताकि कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में लूज छोड़ देते हैं, तो चेक कर लेता हूँ। ये मैन होता है, अगर ये लूज हो गया तो साइड टाइमिंग आउट हो जाएगी। तो गाइस अब मैं इसका जो है कवर वो लगा देता हूँ। ये देखो कवर लगा, इसकी सील होती है जिससे कि अगर सील नहीं लगी तो होती है। मशीन देखो मैं रेडी कर दी है, धागा डाल के मैंने इसको सिलाई निकाल दी है। मशीन एकदम ओके से होती है, आप देख सकते हो।
के देखिए मैं चार फोल्ड करके तो चार तरह के कपड़े थे उसके चला रहा हूँ खूब टाँके वाँके सब लगा रहे हैं देखिए ठीक है। तो गाइस टैग अपनी बार देखिए हमने कैसे डाला आपने जाना ओके शेयर लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों।